हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आपका फैंटासी डिसन चैलेंजर में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग शारजा रमजान T10 की बात करेंगे, जो कि मैच होगा यहाँ पर 7 डिस्ट्रिक्ट्स वर्सेस द विजन शिपिंग के बीच में। तो चलिए दोनों ही टीम के प्लेयर पर एक बार नज़र कर लेते हैं कि कौन से प्लेयर को हम लोग ऐसे स्मॉल लीग में लेके जाएंगे, कौन से प्लेयर को हम लोग ऐसे ग्रैंड लीग में पिक करेंगे, प्लस कौन सा प्लेयर हमारे लिए कैप्टन और वाइस कैप्टनशिप के लिए बेस्ट चॉइस रहेगा, उसके बारे में बात कर लेंगे। पिच रिपोर्ट देख लेते एक बार, लास्ट में हमारी फैंटासी टीम भी देख लेते कि कौन से प्लेयर को हमें लेके जाना है, कौन से प्लेयर को हम लोग यहाँ से ड्रॉप कर सकते हैं, सारी डिटेल्स इसी वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो बात करें इस मैच की, इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि YouTube चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आपको YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि ये पूरी टूर्नामेंट इसी YouTube चैनल पर कवर करेंगे। इसके साथ साथ आपको यहाँ पर केरला T20 के वीडियो मिलेंगे, ICC अरेबियन रमजान T20 के वीडियोज़ मिल जाएंगे। इसके अलावा ऐसे IPL हम लोग पूरा कवर करने वाले हैं, तो IPL के भी हर एक मैचेस के वीडियो आपको यहीं पर मिल जाएंगे। तो YouTube चैनल को सबसे पहले आपको सब्सक्राइब करना है, साथ ही में टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाएगा, क्योंकि फाइनल अपडेट और फाइनल टीम आपकी जो भी रहेगी वो टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। तो जल्दी से जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, और टेलीग्राम का जो भी लिंक रहेगा वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। इनकेस लिंक वर्क ना करें तो टेलीग्राम में जाके आप लोग सर्च भी कर सकते हो फैंटासी डिसन चैलेंजर, या फिर आप सर्च कर सकते हो @FDC27 और आपको सीधा हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, सिंपली आपको उसे ज्वाइन कर लेना है। बात करें इस मैच की, तो ये मैच रात को 12 बजे शारजा क्रिकेट स्टेडियम शारजा यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में खेला जाएगा। पिच रिपोर्ट ऐसे बैटिंग के लिए अच्छी पिच है, रन्स बनते हैं, हालांकि कई बार ऐसी टीम कोलैप्स भी करवा चाहती है। हालांकि देखो अभी तक दोनों ही टीम अभी तक अनबीटन रही है, लेकिन यहाँ पर पलड़ा थोड़ा सा भारी ऐसे TVS करेगा, क्योंकि TVS वन ऑफ द बेस्ट टीम है और रिसेंटली फॉर्मिंग का जबरदस्त है। रिसेंटली आई थिंक यहाँ पर 2 या 3 टूर्नामेंट जीत के आ रही है TVS, तो रिसेंटली फॉर्म अच्छा है, तो यह पलड़ा थोड़ा सा TVS का ही भारी रहेगा। पहले बैटिंग करने वाली टीम को बहुत ज़्यादा एडवांटेज है, तो टॉस काफ़ी इंपॉर्टेंस रहेगा, क्योंकि 30 मैच के अंदर यहाँ पर 20 बार पहले बैटिंग करने वाली टीम जीती थी, जो भी टीम टॉस जीतेगी पहले बैटिंग करना पसंद कर सकती है। तो सबसे पहले ऐसे बात करते हैं टीम SVD की। SVD 2 मैच खेली और यहाँ पर ऐसे 3 मैच खेली और तीनों ही मैच जीतती हुई आ रही है। ओपनिंग में कौन है, तो ओपनिंग में है ऐसे रईस अहमद आयान और यहाँ पर जुनेद खान अफरीदी, दोनों ओपनिंग करवाए। अभी इंपॉर्टेंस की बात करें तो देखो रईस अहमद अयान है वेरी इंपॉर्टेंट पिक, इवन एज अ प्लेयर के साथ या से कैप्टन और वाइस कैप्टनशिप की बेस्ट पिक है। अभी तक 3 मैच खेली गई इस टीम ने, अभी तक 3 मैच खेली और तीनों ही मैच के अंदर हमारे कप्तान रईस अहमद अयान रहे हैं, और आगे भी हमारे कप्तान यहाँ पर रईस अहमद अयान ही रहेंगे। इनके अलावा ऐसे जुनेद खान अफरीदी एज अ डिफरेंस एलिमेंट ट्राई कर सकते हो, क्योंकि प्लस पॉइंट उनका वही है कि लास्ट मैच के अंदर बंदे ने ओपनिंग करवाया था, वही पॉजिटिव पॉइंट, आप लोग चाहो तो इनको ट्राई कर सकते हो। मोहम्मद हैदर की बात करो तो देखो इनके बारे में मैं पहली मैच से बताता आ रहा हूँ कि रेगुलर ओवर्स करवाते नहीं, और जब ओवर्स करवाते तब विकेटलेस जाते नहीं हैं। पिछली टूर्नामेंट के अंदर भी देख सकते हो आप लोग यहाँ पर, तो इनका ऐसा ही है। अभी ओवर्स करवाएंगे या नहीं करवाएंगे वो सबसे बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन ओवर्स करवाएंगे तो विकेट निकालेंगे, ये पक्की बात है, वो निकालेंगे पक्का 100% निकालेंगे। तो वही बात है, आप लोग चाहो तो इनके ऊपर रिस्क ले सकते हो, क्योंकि लास्ट मैच के अंदर 2 ओवर्स की गेंदबाजी करवाई, 1 विकेट निकाली, अगली मैच के अंदर बंदा ओवर्स करेगा या नहीं करेगा कन्फर्म नहीं है। तो इनको आप लोग डिफरेंशियल में ट्राई करना चाहो तो कर सकते हो। सागिर खान को मैं सजेस्ट करूँगा एज अ प्लेयर, ऐसे आप लोग इनको लेके जा सकते हो। इनके अलावा से हफीज अलमास ने लास्ट मैच के अंदर 72 रन की, इसके पहले 2 मैच के अंदर इनकी बैटिंग नहीं आई, तो इनके बारे में मैं पहले ही बताता रहा हूँ कि इनको चांस मिलना चाहिए, या तो बैटिंग के लिए आने चाहिए या तो फिर ऐसे बॉलिंग करवानी चाहिए। बॉलिंग करवाएंगे तो भी ऐसे विकेट पक्का निकालेंगे, लेकिन इनका भी क्वेश्चन मार्क है। तो दो जो प्लेयर हैं यहाँ पर, मोहम्मद हैदर और ऐसे हफीज अलमास, ये दोनों ही अच्छे प्लेयर हैं और दोनों ही चांस मिलने पर काफ़ी बड़ा करेंगे, लेकिन चांस मिलना चाहिए। चांस यानी कि देखो हैदर तो या से कैप्टन ही है मोहम्मद हैदर, तो ओवर्स करवाएंगे या नहीं करवाएंगे कंफर्म नहीं है। हफीज अलमास की भी बैटिंग आएगी या नहीं आएगी कंफर्म नहीं है, बैटिंग ऑर्डर थोड़ा सा नीचे रहता है इनका, तो इनको इन दोनों में से किसी एक प्लेयर को जरूर लेना है आपको। आई थिंक मैं ऐसे सजेस्ट करूँगा हफीज अलमास को, क्योंकि ये बैटिंग के साथ साथ ओवर्स वगैरह भी करवा सकता है, विकेट वगैरह भी चटका सकता है। अब्दुल गफ्फार लास्ट मैच के अंदर हमारे ट्रम्प कार्ड थे, 26 रन की अच्छा खासा एडवांटेज दिया, और एक बार फिर से हम लोग इनके साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। फरहान खान वेरी इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे, डेफिनेटली लेके जाना है। फरमान अली भी ओके रहेंगे। देखो ये बंदा भी काफ़ी नीचे खेलता है, पिछले कुछ टूर्नामेंट की बात करो तो ये काफ़ी नीचे खेलता है। रेगुलर बात करूँ तो रेगुलर इन्होंने CBFS T20 और Arabian T20 दो पहले खेला गया था, वहाँ पर रेगुलर ये ओपनिंग करवाते थे या तो फिर ऐसे 3rd-4th नंबर पर बैटिंग आते थे। अभी के लिए बैटिंग से काफ़ी नीचे आते हैं, तो इनको लेके जाना थोड़ा सा रिस्की रहेगा। अबू बकर खान को जरूर ट्राई करिएगा, ये विकेट टेकर गेंदबाज, इसके पहले इन्होंने शारजा 100 लीग में खेला था, जहाँ पर वो पूरी ओवर्स करवा रहे थे और विकेट भी चटका रहे थे, तो ट्राई कर सकते हैं, इस प्लेयर को लेके जा सकते हो। हैदर अली ने लास्ट मैच के अंदर ओवर्स करवाए नहीं, इसके पहले 2 मैच के अंदर लगातार विकेट निकालते आ रहे थे। इनका भी ऐसा ही है, ओवर्स करवाएंगे तो विकेट पक्का निकालेंगे। तो लास्ट मैच के अंदर मोहम्मद हैदर ने ओवर्स करवाया, हैदर अली ने ओवर्स नहीं करवाया।
तो वो ये दोनों ही विकेट टेकर गेंदबाज है, दोनों में से कोई भी ओवर्स करवाएगा विकेट निकालेगा, लेकिन यहाँ से हैदर को जरूर ट्राई करेगा क्योंकि ये ओवर्स करेगा। विक्रम संजय भंडारा तीनों ही मैच के अंदर विकेट ले जा रहे हैं, लेकिन फिर भी मुझे इनको ड्रॉप करने का मन नहीं है, मैं इनको एज अ प्लेयर लेके जाऊँगा क्योंकि ये भी विकेट टेकर गेंदबाज है, कभी भी यहाँ पर 3-4 विकेट निकाल सकते हैं, तो आप लोग चाहो तो इनको ड्रॉप कर सकते हो, मैं यहाँ से सजेस्ट करूँगा कि इनको एज अ प्लेयर लेके जाइएगा। इनके अलावा बेंच से कोई भी प्लेयर खेलेगा तो इनके स्टैट्स और अपडेट वगैरह टेलीग्राम में मिलेंगे, तो जल्दी से जाओ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। अभी के लिए बात करते हैं हम लोग ऐसे TVS की, जो TVS भी अभी तक अनबीटन रही है, जैसा कि मैंने पहले बताया आपको, 3 मैच खेली और तीनों ही मैच यहाँ पर जीत के आ रही है। और बात करें से ओपनिंग की, तो सलमान खान जूनियर और यहाँ पर शाकिब महमूद दोनों ने ओपनिंग करवाया, दोनों ही इंपॉर्टेंस रहेंगे, दोनों को एज अ प्लेयर ऐसे लेके जाना है। शाकिब महमूद को लास्ट मैच के अंदर मैंने कैप्टन वाइस कैप्टन मेंशन किया था, और एक बार फिर से भी सजेशन है आप लोग इनको कैप्टन वाइस कैप्टन कर सकते हो। इस टूर्नामेंट के अंदर ऐसे मोहम्मद नदीम ने काफ़ी निराश किया, लास्ट मैच की बात करो तो 0 पे आउट हो गए इसके पहले 35 और 23, और ओवर्स नहीं करवा रहे, बाकी इससे पहले जितनी भी टूर्नामेंट्स खेले वो यहाँ से वनडे खेले, T20 खेले और यहाँ से T10 खेले, सारी मैचेस के अंदर ये रेगुलर ओवर्स वगैरह करवा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर वो तीनों ही मैच के अंदर ओवर्स करवाए नहीं, तो आप लोग चाहो तो बहुत ज़्यादा रिस्की खेलो तो इनको ड्रॉप कर सकते हो, बाकी एज अ प्लेयर इनको ड्रॉप करना बहुत बड़ा रिस्क है, और मेरा यहाँ से कैप्टन वाइस कैप्टनशिप का सजेशन है, क्योंकि रेगुलर जब भी इस टीम की मैच होती है ऐसे TVS की, तो रेगुलर मेरे कप्तान ऐसे मोहम्मद नदीम ही होते हैं, और आगे भी शायद मैं इनको कैप्टन वाइस कैप्टन करके जाऊँ। अभी आपको क्या करना है, अली अबीद और नासिर फराज दोनों में से किसी एक को लेना है, क्योंकि दोनों में से कोई भी एक परफॉर्म जरूर करेगा। पहले दोनों मैच के अंदर ऐसे अली अबीद ने रन किए तो नासिर फराज ने ओके परफॉर्मेंस किया, लास्ट मैच के अंदर अबीद फेल रहे तो ऐसे नासिर फराज ने स्कोर कर लिया, तो आई थिंक दोनों में से किसी एक को लेना है, और मेरा सजेशन ऐसे अली अबीद रहेंगे। शाहिद अजीज़ की बात करो तो पहले दोनों मैच के अंदर विकेट निकालने के बाद लास्ट मैच के अंदर विकेट लेस रहे, लेकिन ओवर्स पूरी करवा रहे, तो आप लोग ऐसे भरोसा कर सकते हो। बाकी उबैदुल्ला मोहम्मद ने लास्ट मैच के ओवर्स नहीं करवाई, बाकी ये भी विकेट टेकर गेंदबाज है, इसके पिछले टूर्नामेंट के रिकॉर्ड्स वगैरह देख सकते हो, तो इनको रिस्क इनको आई थिंक ऐसे ट्राई करना चाहो तो कर सकते हो, क्योंकि ओवर्स करवाएंगे या नहीं करवाएंगे क्वेश्चन मार्क है, तो आप लोग चाहो तो इनको ड्रॉप भी कर सकते हो, शायद मैं ऐसे स्मॉल लीग में इनके ऊपर रिस्क ले सकता हूँ। सहबाज अली ने लास्ट मैच के अंदर विकेट निकाली, इसके पहले दो मैच के अंदर विकेट ले सके, लेकिन ओवर्स कंटिन्यू नहीं करवा रहे, तो एज ए प्लेयर एक बार फिर से आप लोग लेके जा सकते हो। मोहम्मद रोहित को लास्ट मैच के अंदर मैंने एज अ प्लेयर के साथ इनको कैप्टन वाइस कैप्टन मेंशन किया था, जहाँ पर इन्होंने दो विकेट भी निकाली, और एक बार फिर से भी एज अ प्लेयर तो इंपॉर्टेंट ही है इनको, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन कैप्टन वाइस कैप्टन करना चाहो तो भी कर सकते हो। सज्जाद मलुक भी यहाँ से पूरी ओवर्स करवा रहे तो वेरी इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे, ये भाई साहब ने ऐसे बैटिंग भी काफ़ी अच्छी करवा लेते हैं, जब भी मौका मिलेगा तो वैसे बैटिंग से भी तगड़ा परफॉर्मेंस देंगे, लेकिन अभी के लिए ओवर्स पूरी करवा रहे हैं तो हमारे लिए इंपॉर्टेंस रहेंगे, इनको डेफिनेटली लेके जाना है। इनके अलावा से मोहम्मद उमर अरशद ओके रहेंगे। बेंच की बात करूँ तो बेंच से कोई भी प्लेयर खेलेगा तो इनके स्टैट्स और अपडेट वगैरह टेलीग्राम में मिलेंगे, तो जल्दी से जाना है आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। अभी के लिए देख लेते हैं हमारी फैंटासी टीम कौन सी रह सकती है, कौन से प्लेयर को हमें लेके जाना है, कौन से प्लेयर को हम लोग ऐसे ड्रॉप कर सकते हैं। तो बात करें पर विकेट कीपिंग सेक्शन की, तो फरमान अली है और यहाँ पर उमर अरशद है, दोनों की बैटिंग नहीं आई लास्ट मैच के अंदर, लेकिन कहीं ना कहीं फरमान अली की तो आ सकती है, लेकिन उमर अरशद लगभग काफ़ी नीचे खेलते हैं, तो इनकी बैटिंग आनी बहुत ही मुश्किल है। आई थिंक यहाँ से 90% है तो नामुमकिन ही है, ऐसा ही समझ लीजिएगा, क्योंकि इनका टॉप ऑर्डर मजबूत है। बैटिंग सेक्शन में यहाँ पर मोहम्मद नदीम है, यहाँ से अली आबिद है, सलमान खान जूनियर और यहाँ से हफीज़ अलमास रहेंगे, यहाँ से आप लोग नासिर फराज है, यहाँ पर मोहम्मद शाकिर खान है, अब्दुल गफ्फार है, इन तीनों में से किसी एक को ट्राई कर सकते हो, हफीज़ अलमास की जगह पर इन तीनों में से किसी को भी ट्राई कर सकते हो, खास तौर पर ऐसे शाकिर खान को, क्योंकि शाकिर खान ऐसे ओवर्स वगैरह पूरी करवा रहे हैं तो इनके ऊपर रिस्क ले सकते हो। ऑलराउंडर सेक्शन में यहाँ पर रईस अहमद अयान है, इनके अलावा ऐसे शाहिद अजीज़ हैं और यहाँ पर शाकिब महमूद हमारी टीम के अंदर रहेंगे, यहाँ पर हैदर ने लास्ट मैच के अंदर ओवर्स करवाई थी लेकिन अगली मैच के लिए क्वेश्चन मार्क है, तो इसके लिए मैंने इनको लिया नहीं है। बॉलिंग सेक्शन में ऐसे रोहित मल्लुक और यहाँ पर फरहान खान रहेंगे, आप लोग फरहान खान की जगह पर ऐसे हैदर अली को भी ले सकते हो, लेकिन हैदर अली ने लास्ट मैच के अंदर ओवर्स करवाया नहीं, तो अगली मैच के अंदर ओवर्स करवाएगा या नहीं करवाएगा ये भी एक क्वेश्चन मार्क है। इनके अलावा ऐसे आप लोग ऐसे विक्रम संजय भंडारा को भी ट्राई कर सकते हो, ये भी एक विकेट टेकर गेंदबाज है, अभी तक तीनों ही मैच के अंदर विकेट लेस गया है, लेकिन जब भी बंदा फॉर्म में रहेगा तब आपको 3-4 विकेट निकाल देगा, तो इस बंदे को भी ट्राई कर सकते हो। टीम की बात करूँ तो टीम कुछ इस तरह से रहेगी कि रईस अहमद अयान कैप्टन है, वाइस कैप्टन से शाकिब महमूद है। देखो मन तो मेरा ऐसे नदीम को कैप्टन वाइस कैप्टन करना है, लेकिन बैटिंग से ठीक ठाक फॉर्म में और ओवर्स नहीं करवा रहे, इसके लिए मैंने इनके ऊपर रिस्क नहीं लिया। बाकी एक प्लेयर और है यहाँ से सलमान खान जूनियर और मोहम्मद रोहित, इन दोनों प्लेयर को भी आप लोग ऐसे कैप्टन वाइस कैप्टन कर सकते हो। बाकी टीम कुछ इस तरह से रहेगी, याद रहे ये जो टीम है डेमो है, फाइनल आपको टेलीग्राम में मिलेगी फाइनल लाइनअप के बाद, तो टेलीग्राम से जुड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, इनकेस लिंक वर्क ना करे तो टेलीग्राम में जाइए सर्च करिए फैंटासी डिसेंट चैलेंजर, या फिर आप सर्च कर सकते हो @FDC27 और आपको सीधा हमारा चैनल मिल जाएगा, सिंपली आपको उसे ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि फाइनल अपडेट और फाइनल टीम आपको वहीं पर दी जाएगी। यहाँ अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दो,
शेयर कर दो और YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आगे आने वाली और अच्छे मैचेस के वीडियो आपको इसी YouTube चैनल पर मिल जाएंगे। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में एक नए सरप्राइज वीडियो के साथ। तब तक आप पूरा वीडियो देखते रहो, अच्छे से एनालिसिस करो, अच्छी टीम बनाओ, अच्छी विनिंग करते रहो। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।